हाँ जी जड़े हो, क्या स्टोरी है? आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है टोयोटा बेल्टा। इट्स अ जैपनीज मॉडल और ये काफ़ी सारे वेरिएंट्स में आती है जिसका आवाम को पता नहीं होता। और इसमें बिजनेस क्लास, ए, जी, एफ, वॉट एवर जो भी है, किसी को कुछ नहीं पता। आम यूज़र को तो बिल्कुल नहीं पता क्योंकि इसमें बहुत 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 छोटे छोटे वेरियंट्स हैं। इतना मुझे इतना पता चला है अभी तक एज अ यूज़र कि एक वेरियंट आता रहता है जिसके अंदर साइड मिरर, इसके अंदर इंडिकेटर होते हैं, और जो आपका कंसोल है या जिसको हम मीटर कहते हैं, इसमें आरपीएम मीटर होता है। एल्स मुझे आज तक समझ नहीं आई कि डिफरेंस क्या है। बहरहाल ये गाड़ी 1300 सीसी में आती है, 1000 सीसी में आती है, जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। इसका ये वेरियंट 1.3 यानी 1300 सीसी है। 84 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, जिसका आवाम को कोई पता नहीं है, जिसको आवाम को कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरी तरफ से 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क हो, कुछ लोगों को पता है जो इसके साथ या जो जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो जो इंजन के कीड़े होते हैं उनको पता है, अदरवाइज किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। जो इस गाड़ी की अच्छी बात है वो ये है कि ये गाड़ी जो है वो आपको बड़े कम सस्ते पैसों में मिल जाती है। और ये जो है GLI, XLI और यूनिवर्सिटी जैसी गाड़ियाँ हैं उनसे 1000 दर्जे बेहतर है इस प्राइस के अंदर। बीइंग द 1300 सीसी कार, ये गाड़ी जो है वो आपको एवरेज जो देती है, जिसका हमारा मेन कंसर्न होता है, एवरेज आपको देती है तकरीबन 1314 इन सिटी विद एसी, और लॉन्ग बेस की एवरेज बहुत अच्छी है और ये देती है तकरीबन 16-17 के पास पास चल जाती है। मैं 1300 सीसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन इसकी CVT है। अब CVT क्या होता है? CVT कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन तो होता ही होता है। वो CVT काम कैसे करता है? CVT में आम आवाम के लिए ये फ़र्क है कि CVT जो होता है वो उसमें आपको गियर शिफ्टिंग का झटका फील नहीं होता। लाइक आपको ये नहीं पता लगता कि गाड़ी जो है वो गियर चेंज कर रही है। लाइक वो इतना स्मूथ और इतना कंटीन्यूअस होता है कि आपको CVT के बारे में और जो आम कन्वेंशनल ट्रांसमिशन होती है CVT में आपको फील नहीं होगा गाड़ी का गियर चेंज कर रही है। इसमें 3-4 मोड्स हैं जैसे कि हमारे इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, अब ये ड्राइव है और उसके साथ स्पोर्ट्स है, और ये जो बी है ये इसका मतलब मुझे भी पता बी का जो है वो सीन जो है वो बेसिकली लोड गियर होता है। क्या बेसमेंट नहीं है ये मैंने याद कर दिया ये बेसमेंट नहीं है, ये बेसिकली लोड गियर है। जब आपने चढ़ाई चढ़ानी होती है तो उसके ऊपर आप ये गियर लगाएं, गियर करें। मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बेसमेंट से जा रहे हैं तो स्लोप बहुत ज्यादा होती है तो उसको बेसमेंट बी से बेसमेंट का नाम दे दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में आपको पढ़ के बताऊंगा कि ये बी से क्या बनता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। जब तक नहीं पता तब तक बेसमेंट है। ये गाड़ी जो है वो आपको तकरीबन 22-25 लाख के दरमियान आराम से मिल जाती है। इसकी प्राइस जो है वो ब्रैकेट इस लिहाज से बहुत अच्छी है जिसके अंदर आपको इस स्पेसिफिकेशन की गाड़ी, यानी कि जो 1300 सीसी हो प्लस ऑटोमेटिक हो, ABS हो, पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, हेडलाइट एडजस्टर्स और सब कुछ है इस गाड़ी के अंदर, ऐसी गाड़ी आपको इस प्राइस रेंज में आजकल के दौर में नहीं मिलती। और इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुली इक्विप्ड होने के साथ साथ इस गाड़ी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो रेडीली अवेलेबल हैं। इसको आप वैसे अगर आप इसकी शेप देखें, जो कि आपको आउटर लुक में इसकी नज़र भी आएगा, इसकी अगर आप शेप देखें तो ये 2005-06 मॉडल की जो विड्थ थी ना आपकी 1000 सीसी, उसका हैचबैक वेरिएंट लगता है, जो कि है भी ये। तो टोयोटा बेल्टा इज़ ए गुड कार, लेकिन हमारी आवाम को जो है वो बेसिकली पता नहीं क्या शौक है GLI, XLI और जो सिटी है, जो टीन डबे पाकिस्तानी बनाते हैं, नॉन ABS गाड़ियाँ हैं और नॉन एयरबैग वाली गाड़ियाँ हैं, उनको लेने का बड़ा शौक है। और पता नहीं वो इतने पैसे उनके ऊपर खर्च कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छी जापानीज़ गाड़ी, जापानीज़ असेंबल्ड गाड़ियाँ नहीं लेते। बूट स्पेस की बहुत अच्छी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। क्लियरेंस इस गाड़ी की थोड़ी सी कम है क्योंकि गाड़ी जो है वो आम लोगों का ये शिकायत होती है कि गाड़ी लगती है, लेकिन मैं जिस गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ ये इस गाड़ी के अंदर थोड़े से 15 इंच के अलॉय रिम्स लगे हुए, तो ये गाड़ी थोड़ी सी नॉर्मल से ऊपर है, तो हम जंप्स वगैरह में जब इसको गुजारते हैं तो इतना फील नहीं होता, गाड़ी ये लगती नहीं है इतनी नीचे। तो एवरेज के लिहाज से भी ठीक है, मार्केट भी ठीक है। रीसेल जो है वो इसकी थोड़ी कम है, वो इसलिए क्योंकि आवाम को ये गाड़ी अभी तक समझ में नहीं आई। और जिस बंदे को ये गाड़ी समझ में आती है, निसान की तरह, निसान की एग्जांपल मैं कोट इसलिए करूँगा, निसान इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल कार, लेकिन जिस बंदे को ये गाड़ी समझ में आती है ना, या जिस गाड़ी को जो उसको एक साथ कम्फर्टेबल होता है, वो उस गाड़ी को भी बेचता नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी कम्फर्टेबल गाड़ी। सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, इसके पार्ट्स बड़े रिलायबल हैं,
जैपनीज असेंबल्ड कार है, और ये वाली गाड़ी जिसको हम चला रहे हैं तकरीबन 1,08,000 चली हुई है, और इस गाड़ी की ड्राइव जो है वो बड़ी स्मूथ और बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर हम इसके लेगरूम की बात करें और उसकी बात करें तो काफ़ी ये चीज़ जो है ना जैपनीज़ गाड़ियों में बड़ी मशहूर है कि जैपनीज़ गाड़ियों की जो लेगरूम होता है वो बड़ा अच्छा होता है। अब मेरी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 feet और 9 inches है, और ये जिस पोस्चर में बैठा हूँ दैट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, और अगर मैं इसको पीछे करूँ तो अगर कोई मेरे ख्याल से कोई 8 फुट का बंदा भी हो तो ये गाड़ी की सीट जो है वो यहाँ तक पीछे होती, लाइक मैं सीधी भी टांगे करूँ ना तो मेरे लिए ये काफ़ी है, यानी कि अगर एक बल्कि मोटा बंदा हो या काफ़ी लंबा बंदा हो उसके लिए भी फिट है। और इसकी जो सीट्स हैं वो 2-way एडजस्टेबल हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इसके अलावा हाँ, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टेबल है, लाइक हाइट एडजस्टमेंट्स में हो सकती है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब टेलीस्कोपिक क्या होता है, बेसिकली आवाम को नहीं पता होता या जिनको पता है उनको पता ही होगा, टेलीस्कोपिक ये होता है कि अगर आप इसको लूज़ करते हैं इसका हैंडल तो ये स्टीयरिंग को आप ऐसे या ऐसे कर सकते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ग्रैंडी मार्क एक्स और क्राउन शाउन में आता है, इसको आप अपनी तरफ, यानी जब मैं सीट पीछे करूँ तो उसको मैं अपनी तरफ पुल या पुश कर सकता हूँ, ठीक है। टेलीस्कोपिक ये नहीं है, इसमें टेलीस्कोपिक जो स्टीयरिंग व्हील है वो नहीं आता। चारों विंडोज़ जो हैं इसकी पावर हैं, और जो ड्राइविंग साइड वाली ऑटो है विंडो लॉक मौजूद है, और गाड़ी का जो लॉक अनलॉक का जो वो है वो बटन वो भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है राइट साइड पे इसकी आती हैं हेडलाइट एडजस्टर लैंप्स आते हैं, और जो है वो इसके अलावा साइड मिरर्स पावर हैं और उनकी एडजस्टमेंट भी आती है। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की है कि टोयोटा बड़ा टोयोटा और होंडा भी खैर ठीक है, लेकिन टोयोटा की जो एसी की जो परफॉर्मेंस है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू होंडा। टोयोटा की जो एसी की परफॉर्मेंस है, लाइक GLI/XLI की अगर हम बात करें तो उसका एसी बहुत पावरफुल होता है, और इस गाड़ी का एसी बहुत अच्छा, वेरी चिलिंग और बड़ा पावरफुल है। एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं, अगर हम बैक सीट्स देखें तो बैक सीट्स भी जो हैं वो बकेट सीट्स हैं, प्रॉपर शेप्ड हैं, और पीछे भी इनकी मौजूद है, आपके पास सीट बेल्ट मौजूद हैं, साइड मिरर्स पैनल्स, साइड डोर पैनल्स में प्रॉपर कुशनिंग भी हुई है। और एक जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप एक गौर करें तो एक लाइट ब्लिंक कर रही है, वो पैसेंजर लाइट है। अभी पैसेंजर लाइट कैसे कब ब्लिंक करती है, जब आपके लेफ्ट साइड पे पैसेंजर सीट के ऊपर कोई जब बंदा बैठता है तो इसके अंदर एक वेट सेंसर लगा हुआ है, अगर वो बंदा बैठा होगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, और जब तक आप का सीट बेल्ट आप नहीं बांधेंगे तब तक ये लाइट ऑफ नहीं होगी। अगर उसके अंदर सेंसर लगा है तो ये वाली लाइट अलग से ब्लिंक करेगी, और वो जो ऊपर डैशबोर्ड में आ रही है अगर आप देखें जूम इन करके तो वो डैशबोर्ड वाली जो है लाइट वो आती है आपकी ड्राइवर के लिए, ड्राइवर जब तक अपनी सीट बेल्ट को नहीं बांधेगा तब तक वो लाइट चलती रहेगी। तो ये एक एडेड ऑन फीचर है जो मुझे बड़ा पसंद है। और इसके अलावा जो है ये गाड़ी की जो ड्राइव कम्फर्ट है, मैंने इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी लंबा ट्रैवल किया हुआ है और मैं काफ़ी दूर दूर तक गया हूँ इस गाड़ी को फैमिली के साथ लेके, और ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल आपको थकाती नहीं है। इस गाड़ी में एक ऐसा मतलब लग्जरी फीचर आप कह सकते हैं। अब हमारा मसला ये होता है कि हम ऐसे जो लॉन्ग ड्राइव पे चलाने वाले लोग होते हैं उनकी अक्सर अवकात ये शिकायत होती है कि हमारी जो बैक है ना वो आपको जो है वो इतनी स्टिफ होती है कि आपको बैक एक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कमर का दर्द आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी सीट्स मैं अभी आपको, अगर मैं गाड़ी साइड पे पार्क करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ तो इसकी सीट्स भी जो है ना, जो ड्राइविंग सीट भी जो है वो बकेट सीट है, इट्स प्रॉपर शेप, ठीक है। ये इसकी अगर आप फैब्रिक देखें और इसकी अगर आप ये कुशनिंग देखें तो ये प्रॉपर शेप है, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो इतना ड्राइविंग के दौरान इतना प्रॉब्लम फील नहीं होता। तो एज़ फॉर एज़ माई सेल्फ इज़ कंसर्न, तो मैं तो इस गाड़ी को जो है वो इस बजट में और जो बाकी आजकल की गाड़ियां हैं इस प्राइस ब्रैकेट में जो आती हैं, मैं तो इसको 10/10 जो है वो करता हूँ रेट सॉरी सबसे जो चीज़ इसकी थोड़ी अजीब है जो कि मुझे समझ में नहीं आती है, डिज़ाइनर्स ने बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी, वो इसका स्पीडोमीटर। अब जो इसका स्पीडोमीटर है वो थोड़ा सा पुराना भी है और थोड़ा सेंटर में भी है,
लोगों को ये इसकी शेप पसंद नहीं है, हालांकि ये इतना मैटर नहीं करता आम देखने में, किलोमीटर का काम आपको स्पीड बताए, लेकिन एक नुकसान है कि जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है तो सब बंदों को पता चल रहा होता है कि आप गाड़ी कितनी स्पीड में चला रहे हैं, जो कि नॉर्मल स्पीडोमीटर जब आपका आपका स्टीयरिंग व्हील के आगे होता है तो आपको इतना अंदाज़ा उसका नहीं होता, मतलब बाकी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इतना नहीं पता चलता कि आपकी स्पीड में, बट फॉर दिस आपके चार पाँच जितने भी लोग इस गाड़ी में बैठे हैं उन सबको नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है वो गाड़ी कितनी स्पीड में चला रहा है। उसके अलावा इसका जो ऑडोमीटर है वो उसके बटन यहाँ पे हैं और उसके अंदर आपके अंदर वो आपको एक ट्रिप ए बताएगा, उसके ऊपर टाइम आ रहा है, फिर ट्रिप बी बताएगा और उसके अलावा आपको बताएगा कि ये गाड़ी जो है वो कितना चल चुकी है और इसमें क्या जो है वो कितनी रीडिंग ओवरऑल है इसकी। एक छोटा सा इशू है इस गाड़ी के अंदर जो मैंने देखा है, अगर आपको इसका क्लस्टर मीटर अगर आप या इसकी स्पीडोमीटर को अगर आप जूम इन करके देखें तो आपको लग रहा होगा कि हल्की हल्की इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, हल्की हल्की जब ये लाइट ब्लिंक कर रही होती है। अब इसका ये प्रॉब्लम ये इसके आता है उसके अंदर जो गाड़ी का जनरेटर है उसके अंदर ये इशू होता है, इसके जनरेटर की जो वोल्टेजेस हैं उनमें कोई फ्लक्चुएशन है जिस वजह से ना ये गाड़ी कहना जो लाइट्स है ना वो ऐसे 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 ब्लिंक कर रही होती है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये एक इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट इशू है, ये गाड़ी आती ही ऐसे है इस इशू के साथ ही ये आती है और इसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, कोई इसकी गाड़ी की स्टार्टिंग में या इस गाड़ी की बैटरी में या इसमें इसकी चलने में या परफॉर्मेंस में कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, दो देर इज़ अ प्रॉब्लम बट ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अभी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इस गाड़ी के अंदर एक सबसे अच्छा फीचर है जो लास्टली मुझे याद है, इस गाड़ी को आप कह सकते हैं वन क्लिक स्टार्ट है। वन क्लिक स्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप इसकी गाड़ी का नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम गाड़ी का पूरा जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पूरी की पूरी चाबी को घुमाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आप इसको एक क्लिक करके छोड़ देंगे तो गाड़ी का जो क्रैंक शाफ्ट है वो खुद ही पूरी घूमेगी और तब तक घूमती रहेगी जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये स्टार्टर मोटर है इसकी, ये ऑटोमेटिकली ट्यून्ड हुई हुई है, अदरवाइज जब तक आप गाड़ी के चाबी को पकड़े रखते हैं तब तक गाड़ी का क्रैंक या स्टार्टर मोटर या जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको गाड़ी सेल्फ जो है वो तब तक घूमता है, सरफ जो भी है उसके जब तक हम पकड़ रखेंगे वो घूमेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इस गाड़ी के अंदर ये स्मार्ट स्टार्ट कह लें या क्लिक स्टार्ट कह लें, इसका तो ऑफिशियल नाम नहीं मुझे अभी तक पता चला लेकिन मैं इसको अपनी तरह से याद कर रहा हूँ, हो सकता है ये मशहूर हो जाए। तो ये इसको अगर आप हल्का सा क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी खुद ही स्टार्ट हो जाएगी, आपने क्लिक करके ऐसे छोड़ देना है, वो गाड़ी खुद ब खुद ही रेवोल्यूशन अपने क्रैंक में पूरी करेगी और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी गाड़ी के साथ, मज़ीद अच्छी गाड़ी के साथ जैपनीज़ या पाकिस्तानी हम मुलाकात करेंगे। और अगर आपके कमेंट्स हैं कोई या कोई सवाल हैं या किसी किस्म की क्वेरीज हैं आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इससे होता कुछ भी नहीं है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और हमें पता चलता है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।